वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ सोमाली और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ मॉनसून हैक्स और टिप्स. एंड बिलीव मी गाइज, दिस हैक्स विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो आज जो सारे हैक्स और टिप्स मैं आपको बताऊंगी वो रियल लाइफ में भी आपने कभी ना कभी तो नोटिस किए ही होंगे, कभी ना कभी इसकी ज़रूरत महसूस किए होंगे, पर उतनी अच्छी तरह से आप याद नहीं रखते क्योंकि ये एवरीडे के साथ फ्लो होता जाता है. तो वो सारी चीज़ों को जो कि मैं अपनी लाइफ में फील करती हूँ, तो वो सारी चीज़ों को आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से शेयर करूँगी. गाइस, मेरे फर्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ हेयर के बारे में. एक्चुअली जब हम बाहर जाते हैं विदाउट एनी छतरी और रेनकोट तो क्या होता है कि हम गीले हो जाते हैं अचानक से अगर बारिश आ जाता है तो गीले होने पर सबसे ज्यादा जो नुकसान होते हैं वो है हेयर का, क्योंकि रेन का जो वाटर है वो वाटर अगर आपके हेयर पे पड़े, आपके स्कैल्प पे पड़े, और घर आने के बाद हम हमेशा क्या करते हैं कि थोड़ा सा टॉवल से उसे पोंछ लेते, फिर फैन की हवा से ड्राई कर लेते तो बस हो जाता है. तो वो हेयर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इवन आपके हेल्थ के लिए भी. सर्दी खांसी तो अच्छा खासा लग सकता है आपको. तो बारिश में जब भी आप भीगेंगे ना, तो घर आने के बाद सबसे पहले आपका काम बनता है कि प्लेन वाटर से अपने हेयर को फिर से गीला कर लीजिए. तो बारिश का पानी चला जाएगा और प्लेन वाटर जो है, मतलब टैप का जो पानी है वो इतना खतरनाक तो नहीं होता, पर बारिश के पानी अगर शाम के बाद ही अगर आपके सर पे चला जाए ना, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है. हेयर के लिए भी ये कुछ ठीक नहीं है. तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बारिश में भीगने के बाद घर आके एक बार जरूर नहा लीजिएगा. मेरा जो सेकंड टिप है, यहाँ पर भी मैं आपको हेयर के बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मॉनसून के सीजन में स्किन से भी ज्यादा डैमेज होते हैं हेयर फॉल होते हैं बहुत ज्यादा. तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ. जो भी हेयर ऑयल यूज करें अपने लाइफ में, उसके साथ टी ट्री या तो नीम ऑयल, जो एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, वो ऑयल मिक्स करके आप यूज कीजिए. अगर हो सके तो ऑयल को थोड़ा सा नीम पत्ते के साथ थोड़ा सा अगर बॉयल कर सकते तो अच्छा है. तो आपका स्कैल्प इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं रहेगा, हेयर फॉल नहीं होगा, और मिनिमम जो होता है वो तो पूरे साल होता रहता है, डैंड्रफ नहीं होगा, बहुत सारी चीजों से आपके हेयर को और आपके स्कैल्प को ये बचा सकते हैं. मॉनसून के सीजन में जब भी हम बाहर जाते हैं तो सबसे मुझे बुरा इस चीज का लगता है कि चारों तरफ बदबू से भरा पड़ा हुआ होता है. पानी का बदबू, पानी जो ड्रेन में जो सड़ जाता है उसका बदबू, फिर पत्ते जो गीले होके जो वो सड़ जाता है उसका बदबू, मतलब चारों तरफ इतना गंदा हो जाता है कि नाक को भी, मतलब ऐसे रुमाल ऐसे करके हमें जाना पड़ता है. तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अच्छा सा एक माइल्ड सा बहुत ही लाइट सा एक परफ्यूम यूज कीजिए जिसमें नेचुरल खुशबू हो. तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ बॉडी क्यूपिड का ये परफ्यूम एक्वा वेव. और ये परफ्यूम को आप देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा लाइट है, एक एक्वा एरोमा है इसमें और बहुत ही माइल्ड है, जो कि आपके मन को पूरा रिफ्रेश कर देगा. और जो बदबू के सामने से आप गुजरेंगे वहां पे अगर बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस का कोई परफ्यूम आप यूज करेंगे तो आपका नाक बहुत ज्यादा जलने लगेगा, माइंड भी बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं होगा, आपको इरिटेट फील होगा. तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ कोई लाइट परफ्यूम. और बॉडी क्यूपिड का ये जो परफ्यूम मैं यूज करती हूँ ये बहुत ही लाइट है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई लाइट परफ्यूम आप मॉनसून के सीजन में यूज करें ताकि आपके दिल दिमाग हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट रहे, एक्टिव रहे. हमेशा मैं अपने प्रोडक्ट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हैं. चाय पीते ही होंगे, तो पूरे साल चाहे जैसे भी आप चाय पिए, पर बारिश के सीजन में जब भी आप चाय पियेंगे ना, तो दिन में एक कप ग्रीन टी और एक कप ब्लैक टी, और ब्लैक टी वो भी अदरक डाल के जरूर पीना. सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छा है, वो आपके बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, तो सर्दी खांसी लगने का चांसेस भी कम रहता है. और ग्रीन टी तो वैसे भी स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें गुण होते हैं. तो बारिश के सीजन यानी कि मॉनसून सीजन यानी कि इन्फेक्शन का सीजन, तो इस टाइम में जितना आप नेचुरल चीजें यूज कर सकना, और ये छोटे छोटे चीज हमें स्किन इन्फेक्शन, हेयर इन्फेक्शन और सर्दी खांसी यानी कि हेल्थ डिजीज से भी बचा सकता है.
मॉनसून के सीजन में जब भी आप बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली आप मतलब ज्यादातर लोग एक अम्ब्रेला और रेनकोट ये सब लेना नहीं भूलते, तो जरूर वो सारी चीजें लेके जाइए। पर एक चीज क्या हम याद रखते हैं कि हम जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो भी महंगा वाला, तो उसके लिए क्या करें, तो इसलिए हमेशा एक जिपलॉक बैग, छोटा सा जिपलॉक जो प्लास्टिक होता है जिसमें हम कोई भी खाने पीने की चीजें भी रख सकते हैं, सिंपल सा जिपलॉक प्लास्टिक अपने बैग में रखिए और उसके अंदर मोबाइल डाल के आप जा सकते हैं। या तो अगर ऐसे ही बारिश नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे ही बैग में रख दीजिए, अगर बारिश होता है तो फोन को उसके अंदर डाल के आप ले आइए, तरह से आप अपने फोन को सेव कर सकते हैं मॉनसून के सीजन में। अच्छा कपड़े पहन के हम बाहर जाए, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, या तो अगर हम ऑफिस में भी जाए या बहुत इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग हो तो जहां पर भी जाए तो एक पतला सा कोई ड्रेस अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जाइए, और वो ड्रेस ऐसे ही बैग में मत डालना, एक जिपलॉक बैग के अंदर वो ड्रेस डाल के उसे बैग में कैरी कर लीजिए, क्योंकि जहां पे आप जाएंगे वहां पे जाते हुए अगर आप पूरा गीला हो जाते तो एक तो पूरे दिन उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, आपको सर्दी खांसी लग सकती है, आपको ठंड लग सकती है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्लाइंट मीटिंग पे है तो वहाँ पे अगर आप गीले कपड़ों में जाएंगे तो अंदर जाते ही आपका जो इम्प्रेशन है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो इसलिए पतला सा कोई कपड़ा अपने साथ रख लीजिए ताकि आप जाके वॉशरूम यूज कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप चेंज भी कर सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे मीटिंग के लिए। लेडीज लड़कियां तो बहुत पसंद करते हैं मेकअप करना, तो मेकअप करना भी चाहिए, पर मैं एक छोटा सा आपको सजेशन देना चाहती हूँ, जितना भी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप हो मुझे लगता है बारिश के सीजन में काजल और मास्कारा इस टाइप के ब्लैक कोई कॉस्मेटिक जितना कम यूज करे उतना ही अच्छा है, हो सकता है वो वाटरप्रूफ हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, उसके बावजूद भी कभी कभार अगर हम गलती से भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं ना, पानी अगर लग जाता है आपके आंखों पे, अगर गलती से भी हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो मैंने देखा है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ये चारों तरफ गोल होके बिल्कुल पांडाइज बन जाता है, वो लॉन्ग लास्टिंग है उसके बावजूद भी, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर आपकी स्किन से नहीं आएगा, पर जब आप इसे ऐसे रगड़ेंगे अंजने में तो ये पूरा पांडाई बन जाता है, तो ब्लैक कॉस्मेटिक्स जो भी है उसे कम से कम यूज करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल बन सकता है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, एंड आगे से इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, तो चलिए आज के लिए बस इतना है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।